चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पहला एक इंटरेस्टिंग हल्की सी स्टोरी है, जो मैग्नेट हम लोग क्यों बोलते हैं इसको, ये मैग्नेट शब्द आया कहाँ से, ये देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया भी है, अगर आप इन डिटेल पढ़ते हैं थोड़ा। एक ग्रीक में एक आइलैंड है जिसका नाम है मैग्नीशिया, और वहाँ पर जब कुछ चरवाहे भेड़ भेड़ चलाते हैं ना शेफर्ड्स, जब वो चलते थे तो उनके ज़मीन से जूते चिपकने लगे। वो जूते पहनते थे लकड़ी के, लेकिन लकड़ी के जूते बनाने के लिए कील ठोकी जाती थी उसमें, तब तो लकड़ी के जूते बना पाएंगे। तो जब वो शेफर्ड जो थे, जो चरवाहे थे, जब वहाँ मूवमेंट करते थे मैग्नीशिया में, जो आइलैंड है ग्रीस में, तो उनके जूते चिपकने शुरू हो गए। तो वो यो देखते थे कि यहाँ पर जो मैग्नेटाइट ओर है वो बहुत ज़्यादा है, और मैग्नेटाइट ओर जो थी उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी वहाँ मिलती थी जो आयरन्स को, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। तो उस मैग्नीशिया के शब्द को पकड़कर मैग्नेट बना दिया गया। मैग्नीशिया वैसे क्या था, आइलैंड। कहाँ में था, ग्रीस में। ग्रीस कहाँ है, टर्की के पास, अगर अंदाज़ा हो तो। अब ये पूछेंगे टर्की कहाँ है, तो ज़्यादा दूर नहीं, पास ही में है। पास का मतलब बहुत दूर नहीं है। तो ये कहानी इधर से शुरू हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज़ देखी गई कि मैग्नेटाइट ओर्स में स्टोन्स निकलते थे वहाँ, पत्थर टाइप, तो उसमें खास तरह की प्रॉपर्टी होती थी, जो प्रॉपर्टीज़ इधर लिखी हुई हैं कुछ हम लोग जानते हैं और उसका यूज़ भी करने लगे। तो जैसे कि बात करें कि उसमें क्या प्रॉपर्टी रहती थी, तो इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन आयरन, यानी लोहे की जो चीज़ें मिलती थी उनको वो अट्रैक्ट कर लेता था, चिपका लेता था अपने में, और सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल। और जो मान लीजिए खुद का पत्थर है, दूसरे के पत्थर को या तो खींच रहा है या उसको रिपेल कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म है, इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म है। लेकिन ये करते वक्त एक नया तरीका सामने आता था, आने लगा, जिसका नाम था फील्ड फोर्स। मतलब उसको पकड़ के चिपकाना नहीं पड़ता था, वो दूर से ही खींच लेता था। लोहा रखा है, कीले रखी हैं, और जैसे ही पास आएगा वो खींच लेगा उसको। ऐसा नहीं कांटेक्ट में लाएंगे तभी चिपकाएगा वो, आप समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद दूसरी जो उसकी प्रॉपर्टी थी कि ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थी, कि अगर उसको उठाकर हम फ्री छोड़ दें तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके रुकता था, जिसे नॉर्थ साउथ बोलते थे। इसका यूज चाइना वालों ने बहुत किया, और चाइना में डायरेक्शन के लिए इनका यूज किया जाता था, बना लिया था बहुत पहले ही उन्होंने, कि कहीं भी फंसते थे तो उससे जान जाते थे कि डायरेक्शन किधर है। यहाँ तक कि कभी कभी वो लोग शिकार एक बार खेलने जाते थे, या किसी रथ पे जा रहे हैं, जैसा इसमें फोटोग्राफ भी एक बना है एनसीईआरटी में, तो रथ के आगे एक वो छोटा सा स्टैचू लगा लेते थे, जो एक कील पे लगा रहता था, जो मूव कर सके, और उसका ऐसे हाथ बना दिया सामने, मान लीजिए ऐसे, और वो खुद टंगा हुआ है कील के ऊपर, जो गोल गोल घूम सके, और उसके अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। तो हमेशा हाथ किधर दिखाएगा, सपोज कर ये नॉर्थ की तरफ बना दिया है, हमेशा नॉर्थ दिखाएगा। आप ऐसे कर दिया तो आप समझ जाएंगे इधर नॉर्थ है, आप कहीं भटक गए ऐसे दिखा रहा था, समझ जाएंगे इधर नॉर्थ है। तो आपको हमेशा, आप जब रथ चला रहे होंगे अपना, तो आपको मालूम रहेगा कि दिशा किधर है। नॉर्थ मालूम है तो बाकी तीनों दिशाएं मालूम है, तो भटकने के चांस बहुत कम, दर्शन पता चल गया। समुद्र के अंदर है, अब वहां तो कुछ चारों तरफ समुद्र दिख रहा है, पेड़ पौधे कुछ दिख ही नहीं रहे, तो समझ ही नहीं आएगा किधर जाए। तो उस डायरेक्शन में क्या है, कंपास, मैग्नेटिक कंपास काम आ जाता है, वो दिखा देता है नॉर्थ साउथ किधर है। तो इसके ये यूज उस जमाने में होते थे, और चाइनीज लोग बड़ा यूज करते थे इसको डायरेक्शन के लिए। और ऐसे उन्होंने जो डिपिक्शन है वो ऐसे पिक्चर बनी हुई है जिसे एरो वो दिखाते थे। तो एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थी इसके अंदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकने के लिए। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सारी जो मैटर निकल रहा है मैग्नेटाइट ओर, उसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। और मैग्नेट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द अदर मैग्नेट्स। जो मैग्नेट्स अब बनते हैं या पहले भी बनते थे, उसको दूसरे मैग्नेटिक वाले सब्सटेंसेस से हम बना भी सकते हैं दूसरा मैग्नेट। आपको ये मालूम है और होना भी चाहिए कि जो मैग्नेट होते हैं वो हमेशा बाईपोलर होते हैं, कभी भी सिंगल पोलर, यूनिपोलर नहीं हो सकते, यानी उसमें नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा। कुछ भी आप करेंगे नॉर्थ और साउथ अलग नहीं हो सकते। तो नॉर्थ नॉर्थ विल रिपेल इच अदर एंड नॉर्थ साउथ विल अट्रैक्ट इच अदर। ये तो इनकी प्रॉपर्टी होगी कि नॉर्थ के आगे नॉर्थ आएगा तो रिपल्शन हो जाएगा, और नॉर्थ के आगे
साउथ आएगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि दो पोल उसके अंदर होंगे ही होंगे, जबकि चार्जेस में ऐसा नहीं है। चार्जेस में नेट चार्जेस होते हैं, प्लस ज्यादा हो गया माइनस ज्यादा हो गया, इसमें नहीं। नॉर्थ है तो साउथ होना है, सिंगल पोल यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या शो करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, इमेजिनरी लाइन्स हैं, वास्तव में नहीं पाई जाती, अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने बनाई है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोगों ने बनाई है। और ये बात बीच में हमने लिखी भी है कि ये एग्जैक्टली हमको देती क्या चीजें हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कॉन्टिन्यूस लूप्स। अब इसमें ये भी बात देखिए फर्क आ जाता है, ये है कॉन्टिन्यूस लूप्स, और जो इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है जो लाइंस निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कॉन्टिन्यूस लूप्स नहीं होती, वो प्लस चार्ज से निकलती हैं, माइनस पे टर्मिनेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं प्लस से निकल के माइनस पे। यहाँ पर ये खत्म कभी नहीं होती, शुरू कभी नहीं होती, ये लूप है सर्किल। अरे गोला बना दे सर्किल तो आप बता नहीं सकते शुरुआत कहां से खत्म कहां पे, कोई सिरा ही नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस लूप्स हैं। समझने के लिए हम ये बोलते हैं कि नॉर्थ से निकलती हैं और बाहर बाहर साउथ पे आती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं, लेकिन है क्या कॉन्टिन्यूस लूप्स, कहीं से शुरू नहीं होती कहीं जाती नहीं। नॉर्थ से शुरू होंगी बाहर देखेंगे तो दिखना शुरू होगा मैग्नेट के बाहर, और साउथ को आते दिखेगी, बट इट इज ए कॉन्टिन्यूस लूप, ना शुरुआत है ना अंत है, ठीक है। आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें बताने क्या वाली हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें दो चीजें बताती हैं। पहली चीज बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। अगर मैग्नेट लेके बैठ जाए यहां पर और सोचें कि पॉइंट ए पर क्या डायरेक्शन है, तो हर जगह या तो प्लॉट करें या हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि हम जान सके कहां पे डायरेक्शन किधर है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में स्टडी कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस शेप में होगा, किस डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जो मैग्नेटिक इमेजिनरी लाइन्स हमने प्लॉट किए हैं अंडर सर्टन रूल्स, जो रूल्स बनाए गए हैं उसके तहत, वहां पर उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींच दें हम तो वो डायरेक्शन किसका देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर टेंजेंट खींच दें किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर फील्ड लाइंस ज्यादा हैं किसी जगह पे, डेंसिटी ज्यादा है, तो हम ये समझ जाते हैं वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और डेंसिटी कम है तो कम है। बड़ी सीधी सी बात है, समझ में आती है, लेकिन ये फायदा कैसे मिला मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से, जो एक्चुअली होती ही नहीं है। बड़ी अलग सी बातें हैं, कुछ चीजों को मानने से हमारा फायदा हो जाता है, जैसे भगवान में आस्था रखने वालों को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, भगवान है कि नहीं उस डिबेट में नहीं जाते, लेकिन अगर आप विश्वास रखें कि कोई ऊपर मेरा बड़ा वाला फादर है जो सबका फादर है पूरे विश्व का, तो वो आपको स्ट्रेंथ मिलती है ना कि समबडी इज विद यू, अपने में तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो अगर उस चीज को मानने से आपका फायदा होता है, आपकी लाइफ इजी होती है, नथिंग इज बैड इन इट, इट इज गुड फॉर यू। और यही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता नहीं, लेकिन लाइफ को सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट पिक्चर में ले आया है, और हमारी लाइफ सिंपल हो गई, हम समझ पा रहे हैं चीजों को। आगे डेंसिटी ऑफ लाइन्स आप समझ चुके हैं। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 9, 10 से पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तब से चला आता, हर बार पूछा जाता है एक नंबर में, कि टू मैग्नेटिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई। तो वाई का जवाब दो लाइन लिखी हुई नीचे, इफ दे डू सो, इफ दे इंटरसेक्ट ईचर, दैट मीन्स देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल। एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकते। जब दो डायरेक्शन नहीं हो सकते तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बात समझ में आती है। तो ये है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं समझने के लिए। फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, ये एक हमने मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट लिया, कहीं पे नॉर्थ साउथ होगा इसका, बीच में पॉइंट, और यहां से अगर हम इस पॉइंट पर P
पी पर मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है आर। तो इस केस में जो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इसी तरह अगर हम सोलेनाइड में आ जाएं, तो अगर हम सोलेनाइड में आ जाएं और हम चाहें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पी पर, तो यहां जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA अपॉन आर क्यू। ठीक है, अब इसकी एनालॉगी देखते हैं हम लोग। एनालॉगी का मतलब है उसी के अनुरूप, अनुरूप हिंदी में समझते हैं ना, उसी के हिसाब से, उसी के अनुरूप। तो वो एनालॉगी क्या आएगी कि जिस तरह ये बना है उसी फॉर्मेट में देखिए ऐसा ही बिहेवियर इसका है। हमने बार मैग्नेट रखा, चेक किया, देखा मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उसी हिसाब से, उसी सिस्टम से मैग्नेटिक फील्ड इसकी बनती है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसी दिखती हैं। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो हमारी वैल्यू एनआईए किससे मैच कर जाती है? जब वैसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसी स्ट्रक्चर की, तो एनआईए विल बिहेव जस्ट लाइक ए डायपोल मोमेंट। तो एनआईए सोलेनाइड का क्या बन जाएगा? एनआईए ऑफ सोलेनाइड इज एम यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सोलेनाइड। ठीक, और यहां पर m हो जाएगी वैल्यू एन आई ए के बराबर, उसी तरह क्योंकि इसका बिहेवियर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए अगर एक मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में डाला, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मोटा मोटा ऐसे समझ लेते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, और बीच में एक मैग्नेट रखा आपने बार मैग्नेट इस तरह से ये, और ये जो एंगल बनाता है वो थीटा एंगल बनाता है, किससे? जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहां पर देखिए, ये अगर इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पे कैसा फोर्स लगेगा? नॉर्थ वाला इस डायरेक्शन में, और साउथ पे कैसा लगेगा? इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, और दोनों में डिस्टेंस होगा। अगर ये कंडीशन मीट आउट हो जाती तो क्या बन जाता है? टॉर्क। दोनों कपल ऑफ फोर्सेस बन गए, जोड़ी बन गई, तो कपल ऑफ फोर्सेस में ऊपर में डिस्टेंस, ये देखिए लाइन ऑफ एक्शन, अब बीच में ये डिस्टेंस मिल गया, तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं? टॉर्क। और टॉर्क की वैल्यू हमको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा टॉर्क क्या हुआ करता था? पी क्रॉस ई, इलेक्ट्रिक डायपोल में, अब अगर हम मैग्नेटिक में आ जाएं, तो मैग्नेटिक में यही एनालॉगी लगाते हैं अगर, तो क्या बन जाएगा? एम क्रॉस बी। ठीक लिखा है, एम क्रॉस बी, और इसको सिंपल अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखने की कोशिश करें हम लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगी एम बी साइन थीटा। ये टॉर्क बन गया, और ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा ये भी हम जानते हैं, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, यानी थीटा 90 हो। थीटा 90 का मतलब क्या है? कि जो आपका मैग्नेट है वो इस तरीके का शेप ले ले, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये डिग्री की बन जाए 90। तो इफ थीटा इज 90, साइन 90 विल बी 1, और ये वैल्यू बन जाएगी एम बी, टी मैक्स विल बी एम बी। कैसे? किस तरह से? जरा सा भी इसमें करेंगे तो फुल टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। और मिनिमम टॉर्क कब मिलेगा? जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। उस केस में जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट,
वो किस तरह का शेप ले लेगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और बायो मैग्नेट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा। उस समय टाउ मिनिमम कितना आएगा, जीरो। तो टॉर्क उस समय खत्म हो जाएगा, यानी इसके बाद ये टर्न नहीं करेगा, है ना। अब होता क्या है कि टर्न तो ये नहीं करेगा, लेकिन अगर आप क्या करें इसको, यहां पर ये बार मैग्नेट था, ये तो समझ ही गए, बड़ी सिंपल सी बात ये था ना, आपने ऐसे था ये, आपने ऐसे इसको ऐसे टर्न किया और छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो टॉर्क लगा इस पे और टॉर्क ने इसको घुमाया और घुमा के यहां तक लाया, अब टॉर्क बंद हो गया। लेकिन इसका काम नहीं बंद हुआ, अभी किसके पास वेलोसिटी का इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, टॉर्क आगे नहीं बढ़ा रहा, अब इनर्शिया आगे बढ़ा रहा है। आप साइकिल चलाते हैं, पैडल मारना बंद कर दीजिए, क्या साइकिल रुकती है, नहीं, आपने तो काम करना बंद कर दिया, लेकिन इनर्शिया की वजह से आगे चली जाती है ना। अगर आपको अपने घर पे रुकना है तो ब्रेक लगाना पड़ता है, आप पैडल मार के नहीं रुक सकते, वो घर की जगह चार घर बाद रुकेगी जाके, है कि नहीं। तो यहां पर अगर आपने इसको ऐसे घुमाया और छोड़ दिया, तो पहले इसने घुमाने का काम किसने किया, टॉर्क ने, जिसकी वैल्यू थी एमबी साइन थीटा। इसने एमबी साइन थीटा ने घुमाया और घुमा के यहां तक लाया, अब एमबी साइन थीटा बंद, पैडल मारना आपका बंद, लेकिन ये रुकेगा नहीं क्योंकि इसमें इनर्शिया आ चुका है और इनर्शिया की वजह से ऐसे चला जाएगा, जाएगा। जब ऐसे जाएगा तो टॉर्क फिर डेवलप हो गया, टॉर्क ने फिर क्या शुरू किया, फिर वापस लाना, फिर ऐसे आया, फिर शुरू हो गया, ऐसे ऐसे क्या करने लगेगा, ऑक्सीलेशंस। बात समझ में आती है कि ऑक्सीलेशन क्यों करेगा, करेगा ना ऑक्सीलेशन। इसी ऑक्सीलेशन की थोड़ी सी स्टडी हम कर लेंगे और कोशिश करेंगे टाइम पीरियड निकाल लेंगे इसकी, बात पकड़ में आती है। तो देखते हैं कैसे टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। नहीं आएगा, अगर सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में है तो कभी नहीं रुकेगा, लेकिन परफेक्ट कंडीशन में होता नहीं, कुछ कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है, उसे होते होते रुक जाता है। अगर परफेक्ट आ जाए, कहीं कोई लॉस ना हो, तो आप जब, यही तो इनर्शिया का गैलीलियो ने, उसके बाद न्यूटन ने दिया था कहानी अपनी, कि अगर कोई चलती हुई चीज को रोकना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, अनलेस अल्टिल वो नहीं रुकने वाली। वो ये बोलते थे कि साइकिल के पैडल अगर मार दिया तो वो अनंत काल तक चलेगी साइकिल, नहीं चलती हमारी, क्यों नहीं चलती, क्योंकि बहुत उसमें फोर्सेस है, फ्रिक्शन फोर्स, एयर फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस जो उसको अपोज करते हैं, रोक देते हैं। लेकिन लॉ की बात करें, परफेक्ट सिचुएशन तो कभी नहीं रुकेगी वो, उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल आपको चाहिए। तो इस कंडीशन में ये कभी नहीं रुकेगा, इनपरफेक्ट कंडीशन, लेकिन लॉस एनर्जी का होता है, उस लॉस के तहत धीरे धीरे रुकी जाएगा। 50 तरह की चीजें होती हैं, परफेक्ट एब्सोल्युटली अगर बात करें तो नहीं रुकना चाहिए। ठीक, तो आगे हम लोग कोशिश करेंगे इस निडल ही लिख दो, पतला है, निडल इज गिवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, in the magnetic field
अब यहाँ पर क्या करते हैं, एट एनी इंस्टेंट, ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे या वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, एट एनी इंस्टेंट लेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, थीटा आप दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे क्या है, अगर थीटा है तो हमारा टॉर्क कितना बना, तो टॉर्क बना एम बी साइन थीटा, फॉर्मूला भी निकाला है, ठीक है। साथ में एक रोटेटरी मोशन में आप जानते हैं कि ये जो रोटेशन वाला टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है, आई अल्फा के बराबर, क्लास 11th की बात कर रहे हैं इस समय, जहां पर आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा था एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होता था तो यहां एम का काम इनर्शिया कर रहा है और ए का काम एंगुलर एक्सेलरेशन रोटेशनल मोशन में। तो ये चीज निकाली वहां से, ये चीज निकाली अपनी प्रायर स्टडीज से, प्रायर नॉलेज से, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उस सिचुएशन में साइन थीटा और थीटा बराबर हो जाएंगे, जरा सा घुमाया हमने, ज्यादा नहीं घुमाया, उस केस में ये वैल्यू क्या बन जाएगी ऊपर वाली, एम बी थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, ये वैल्यू निकल आएगी। अब यहां थीटा अगर निकालना चाहें आप तो थीटा की वैल्यू आएगी आई अपॉन एम बी इंटू अल्फा, ये वैल्यू आ गई, ये अल्फा का साइन है। अब इसको अगर एब्सोल्यूट टर्म में लिखना चाहें आप तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू माइनस आई एम बी अल्फा, क्यों माइनस, माइनस साइन क्या दिखाने वाला है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट इधर देंगे तो टॉर्क इधर पैदा होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, या टॉर्क की बात करें या एक्सीलरेशन की बात करें, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन, जितना थीटा बढ़ाते जाएंगे इधर एक्सेलरेशन हमारा बढ़ता जाएगा इधर। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या चीजें मिलनी शुरू हुई, यहां पे करते हैं हम लोग, यहां पर नेगेटिव साइन शो क्या करेगा, ये चाहिए तो लिख लीजिए, नेगेटिव साइन शोज अल्फा एंड थीटा इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये थीटा शो करने वाला है। अब यहां पर अगर हम इस बात को आगे ले चलें इससे तो यहां पर क्या चीज मिल गई, एम बी आई अपॉन एम बी या एम बी अपॉन आई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया पूरा, ये देखिए यहां पर एम बी आई अपॉन एम बी, ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, एम है डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी कांस्टेंट है, जो भी निडिल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शी है, सब कांस्टेंट है, तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ये कांस्टेंट अगर हो गई तो थीटा और अल्फा में क्या चीज बन गई, कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, प्रोपोर्शनल इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों अल्फा टाइप की नजर ना आ जाए, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया और साथ में अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, मतलब क्या हुआ इसका, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ खास चीज हो जाती है निधि, क्या खास चीज होती है, अगर ऐसा हो जाता, कोई और नहीं बोलेगा, अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ स्पेशल चीज हो जाती है, ये मोशन बन जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM,
है ना। ये 11th में बड़े सवाल लगाए होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, मगर बने होंगे। तो जब भी एक्सलेशन को हम डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल दिखाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं, ये मोशन एक स्पेशल रूप ले लेता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यही तो सिंपल SHM था, वो पढ़ा था पेंडुलम के केस में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एक्सलेशन होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये बन गया आपका क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देयरफॉर दिस ऑक्सीलेशन इज SHM। ध्यान रखिएगा ये क्या बन गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर चाहें तो लिख लें या याद होगा SHM का मतलब। अब इसका टाइम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फंडा निकाला था हम लोगों ने टाइम पीरियड का, यूनिवर्सल सा फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अगर कोई मोशन SHM बन जाता है तो उसका टाइम पीरियड इस ब्रॉडर फॉर्मूले से निकाल लिया करते थे हम लोग, और ऐसी प्रॉपर्टी शो कर दे। यहां भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, अगर हमने लगा दी यहां पर तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, क्या डिस्प्लेसमेंट है यहां हमारा थीटा, एक्सेलरेशन क्या है अल्फा, तो थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू यहां से निकालते, तो थीटा अपॉन अल्फा क्या आ गया, आई अपॉन MV। अब ये हमारा टाइम पीरियड क्या बन गया, 2π अंडर रूट आई अपॉन MV। ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। किसका फॉर्मूला है ये, जब किसी भी मैग्नेटिक निडल या बार मैग्नेट को, एक हल्के बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करके छोड़ देंगे, डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, तो वो SHM करने लगेगा, और SHM करते वक्त उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इतना होगा। इसमें सारी क्वांटिटीज आप पहचानते होंगे, टी फॉर टाइम पीरियड, पाई जानते हैं कॉन्स्टेंट, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर एक बात और अगर देखना चाहें आप, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको आप, ये भी उस समय पढ़ा था हम लोगों ने, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार मैग्नेट, तो इसकी वैल्यू होती है, ये मास है एम लिख देते हैं स्मॉल, मास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12। क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, लगाना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, 11th क्लास में लगाया था ना कई बार, तो उसमें ये है, ये इसका मास है और ये अलग एम है, ये एम कौन सा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो दोनों चीजें अलग है, तो जहां रखना होगा ये रख देंगे। तो ये एक बढ़िया डेरिवेशन हमारा निकल आता है, और डराइव करने को आ भी सकता है एग्जाम में, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन दिस केस, तो आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में उस समय आना चाहिए जो पढ़ने से आएगा, कि SHM प्रूफ करके ऐसे सेट करना, वरना कोई तरीका नहीं पहुंचने का। हाँ शुभ, कुछ पूछ रही थी। टाइम पीरियड ये शो करता है कि ये आपने घुमाया, यहां पहुंचा है, आपने ऐसे घुमा छोड़ा, तो ये ऑक्सीलेट करके ये जो पहुंचा, कितना समय लगा इसमें, ये ऑक्सीलेशन क्या हुआ, यहां तक गया फिर घूम के आया, दिस इज वन ऑक्सीलेशन, इसमें समय कितना लगा, ये एक ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड का मीनिंग ही वही होता है, एक ऑक्सीलेशन में लगने वाला समय इज नोन एज अ टाइम पीरियड, यही तो होता है। तो एक ऑक्सीलेशन करने में जितना समय लगा वो टाइम पीरियड हो गया, यूनिट सेकंड होती है टाइम की, जानते ही हैं। तो ये टाइम पीरियड आपका निकल आया, और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और डेरिवेशन कैसे निकाला ये भी पता होना चाहिए, और कभी भूलिए तो ये आप पलट के देखेंगे तो इतना लिख देते हैं कि आपकी समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने वॉश आउट ना हो, इतने पॉइंट रहते हैं इसके अंदर, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे एक चीज देख लेते हैं। ये इधर का नोट कर चुके हैं, अब देखिए इसमें एक और चीज आती है जिसे आप बोलते हैं गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। गॉस थ्योरम पढ़ी थी ना हम लोगों ने, कहां पढ़ी थी गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी हम लोगों ने अर्जिता, गॉस थ्योरम क्या थी, चीज पुरानी वाली बताओ, एक बार लिख दे फिर हटाएंगे, गॉस थ्योरम क्या थी,
हाँ, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या बना उसका, ऐसे को लिखते थे फिर क्या करते थे जी? हाँ, ई ई डॉट डी एस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, श्योर? अच्छा, फिर ये दूसरा क्या, यहाँ क्या था, म्यू नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था हमारा, क्लोज्ड एरिया क्लोज सरफेस चाहिए होता था, और ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स लिंक्ड, ऐसे ही कुछ था ना। अब मैग्नेटिज्म में क्या होता है, यहां पर द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स लिंक टू ए क्लोज सरफेस सरफेस इज जीरो, मतलब बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, ये गॉस लगता है मैग्नेटिज्म के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नेटिज्म के अंदर आप कोई भी सरफेस लेने जाएंगे तो आपको सिंगल पोल नहीं मिलेगा, एक नॉर्थ मिलेगा एक साउथ मिलेगा, क्योंकि मैग्नेट होता ही बाइपोलर है, तो बाइपोलर होता तो नॉर्थ से निकल रहा दिखेगा तो साउथ में जाता हुआ दिखेगा। आप कितना भी एक रिंग भी ले लें, सबसे कम एक रिंग सोच सकते हैं, अगर इसके अंदर करंट दौड़ा दी एक रिंग के अंदर, एक रिंग के अंदर अगर करंट दौड़ा दी आपने तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देगा। तो अगर ये नॉर्थ बना, सपोज करिए ऐसी करंट है तो ये नॉर्थ बना, पीछे वाला साउथ बन गया, तो अगर कोई यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली तो उधर से घुसी भी अंदर, तो कोई भी सरफेस आप लेंगे तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड आने वाली और निकलने वाली दोनों बराबर होंगी, कोई नॉर्थ साउथ मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो नेट फ्लक्स आपको कितना मिलेगा, कुछ भी नहीं, आने जाने वाला बराबर, तो मैग्नेटिज्म के केस में ये वैल्यू जीरो हो जाती है। वहां जीरो नहीं होती, क्यों? क्योंकि तो वहां प्लस से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और निगेटिव पे जाके खत्म होती है। प्लस रखा तो क्या करेगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, तो यहां सिंगल ऐसे जा रही जा रही जा रही, लेकिन यहां क्या होगा, प्लस केवल मिलेगा ही नहीं, प्लस के बाद नॉर्थ केवल मिलेगा ही नहीं, साउथ पीछे पड़ जाएगा उसके, तभी ये मैग्नेटिज्म बनेगा। तो एक जगह निकलेगी तो दूसरी जगह जाएगी, जहां भी पकड़ेंगे वहां ऐसा होने वाला है। बात समझ में आती है? तो ये गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म क्या बोलती है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए क्लोज सरफेस इज जीरो। ये गॉस आपने ये भी चीज बताई, और इससे मैं क्या चीज पता चलती है कि एक प्रॉपर्टी पता चलती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप बनाती, ये जो उन्होंने गॉस थ्योरम इसके बारे में बनाई थी उससे ये पता चलता है कि क्लोज लूप बनता है, कहीं से शुरू नहीं होती कहीं खत्म नहीं होती, इस तरह की प्रॉपर्टी हमको पता चलती है। यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं, सिंस नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड ए गॉसियन सरफेस सरफेस विल ऑलवेज कंटेन बोथ इनसाइड इट, हेंस नेट फील्ड फील्ड इज जीरो। तो ये गॉसियन एक लॉ और बन जाता है अपना, जो आपको जानना चाहिए, ठीक है?